हेलो माय वेरी डियर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आकाश अग्रवाल क्लासेस. दिस इज सी श्रुति अग्रवाल एंड सिंस योर एग्जाम्स आर कमिंग नियर बाय, आई एम बैक विद अ लॉट ऑफ प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स टू हाउ टू क्लियर योर एग्जामिनेशन इफेक्टिवली. सो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें हैं. स्पेशली इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर में दोनों ग्रुप एग्जैक्टली बोथ ग्रुप आप देने वाले हो इस दिसंबर एग्जाम. सिंस आई डोंट हैव द डेट, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी यार आपके लिए इतने दिन बचे आपने ये करना चाहिए. मैं आपको एक टेंटेटिव प्लान बना के दे रही हूँ, पर ये टेंटेटिव प्लान के बेसिस पे अगर आप काम करेंगे तो 500% आपका रिविजन पढ़ाई सब अच्छे से हो जाएगा. और इस प्लान के अंदर मैंने आपकी सारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी समझ के ली है. जैसे आप कहीं क्लास करते होंगे या मेरे पास क्लास कर रहे हो या रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, तो ये सब के साथ कैसे पढ़े ये बहुत बड़ा सवाल था. तो वी आर गोइंग टू टैकल दैट क्वेश्चन इन दिस वीडियो. सो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो आपको लगता है हेल्प होगा तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे. नाउ कमिंग बैक टू योर टारगेट्स, अब देखिए बेटा आपका दो ग्रुप अगर आप दे रहे हो तो एक बेसिक अजम्पशन में लेके चलूँगी कि आप एक ग्रुप का क्लासेस या रिकॉर्डेड लेक्चर या अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो जो भी कर रहे हो वो हो चुका है और अभी आप ग्रुप टू का कर रहे हो, राइट. मैं एक अजम्पशन लेके चल रही हूँ कि आपका ग्रुप वन का लेक्चर्स, मतलब ज़रूरी नहीं है मेरे लेक्चर्स कहीं से भी लिए हो आपने, आपके ग्रुप वन के लेक्चर देख के हो गए हैं और आपके ग्रुप टू के लेक्चर्स मेरे हो, रिकॉर्डेड हो, कहीं और से हो या यूट्यूब से आप देख रहे हो, जो भी कर रहे हो, दिस लेक्चर इज ऑन गोइंग. ये हम प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे. अगर आपने उल्टा किया है तो उल्टा रखो ना, आप ग्रुप टू के जगह पे. जब जब मैं ग्रुप टू बोल रहा हूँ आप ग्रुप वन सोच लेना, बाकी का सब सेम है, राइट. अब हम उतने बड़े तो हो गए कि हम स्विच कर सकते हैं ये प्लान से वो प्लान पे. आपका प्लान क्या रहना चाहिए बेटा, आप जो भी ग्रुप अभी पढ़ रहे हो, मैं मान के चल रही हूँ आप ग्रुप टू पढ़ रहे हो, तो आपका अक्टूबर 31 मैक्स नवंबर फर्स्ट वीक तक ऑफ फ्यू सब्जेक्ट आपका खत्म होना चाहिए. पूरा ग्रुप टू का पोर्शन अगर नवंबर में जा रहा है तो एक हाथ सब्जेक्ट ही जाने दो. आपकी ग्रुप टू की पढ़ाई अगले कितने दिन बचे हैं हमारे पास, लेकिन मैम हमारे लेक्चर्स भी है बेटा, आपके लेक्चर्स रहने दो. एक बात समझो, यू हैव 24 आवर्स, उसमें से 7 घंटा आप सोएंगे, 6 घंटा आप लेक्चर करेंगे और 4 से 5 घंटा आप और टाइम पास कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो भी आपके पास 6 घंटा 6 आवर्स आर स्टिल पेंडिंग. और आपको ये 6 आवर्स को यूटिलाइज करना है. होता क्या है ना कि मैम हम क्लास जाते हैं, क्लास में आना जाना होता है, हमारे 6-7 घंटे वहाँ चले जाते हैं, 7 घंटे आप सो जाते हो, तो मैंने उसके अलावा तो भी तुमको 4-5 घंटे दिए. मान लो ट्रैवलिंग कर रहे हो, कभी कॉलेज जाना पड़ रहा है, कभी घर वालों के साथ बाहर जाना पड़ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, ये सब 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 कंसिडर करके भी आपके पास 6 घंटा बचने चाहिए. और ये मिनिमम साइड पर है, इससे ज़्यादा भी आपके पास बच सकते हैं. अब ये 6 आवर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो आपके, वो 6 घंटे में से 2-3 घंटा पढ़ते हो, बाकी का टाइम वेस्ट होता है और लग रहा है शिट दिसंबर में एग्जाम में कैसे पढ़े. पहली बात तो ये 6 आवर्स आइडेंटिफाई करो कि आपको मिल रहे. अब ये 6 आवर्स में करना क्या है मैं बताती हूँ. ये 6 आवर्स का भी मैं आपको बाइफिकेशन दूंगी, लेकिन आप एक बाउंड्री समझो कि आपको अक्टूबर 31 तक आपका ग्रुप टू की पढ़ाई इन एंड आउट लेक्चर के साथ ख़त्म करनी है. अब आगे क्या, ये 6 आवर्स को यूटिलाइज करने के 2 तरीके हैं. एक तरीका, आप 6 आवर्स पूरा ग्रुप टू का ही रिवीजन करते जाओ, मतलब आप सुबह क्लास जा रहे हो या आप रिकॉर्डेड देख रहे हो आप उसी का सेल्फ स्टडी करो, या ग्रुप टू का स्टार्टिंग पढ़ो, लेकिन ग्रुप टू पूरा ख़त्म करो, एकदम स्क्रैच से एंड तक ग्रुप टू शुड बी ओवर बाय 31. तो आपको जो 6 घंटे मिल रहे हो उसमें आप 2 घंटा अकाउंट्स पढ़ लो, आप 2 घंटा कॉस्टिंग FM पढ़ लो, आप 2 घंटे में से 1 घंटा IDT पढ़ लो, 1 घंटा आप या तो ऑडिट पढ़ो या तो SM पढ़ो या तो OM पढ़ो, सब्जेक्ट्स मल्टीप्लाई चेंज करते जाओ. लेकिन ये 6 आवर्स को आप क्या करेंगे, उस तरह से यूटिलाइज करेंगे. दूसरा ऑप्शन नहीं मैम, 6 घंटा बहुत है ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 2 बहुत छोटा है, हमको इतना नहीं लगता है हमारा जितना भी पढ़ रहे हैं. क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लास कर रहे और पिछला कुछ ही नहीं पढ़ा. बेटा मेरे वाले स्टूडेंट्स आपको ये एप्लीकेबल नहीं है, हम हर चैप्टर पर टेस्ट ले चुके और तुम्हारे ऑलरेडी मॉक चल रहे हैं, तो तुम्हारे लिए पिछला कुछ नहीं पढ़ा वाला चीज़ एप्लीकेबल नहीं है. ये उन बच्चों के लिए जो कहीं क्लास कर रहे हैं लेकिन उन्होंने पुराना कुछ नहीं पढ़ा. तो बेटा आप ये 6 घंटा है, पुराने ही ग्रुप 2 के टॉपिक उठाओ, 2 घंटा अकाउंट्स को दो, 1-1.5 घंटा FM को दे दो, बचा हुआ 1-1.5 घंटा IDT से, 3-3 सब्जेक्ट के कॉम्बो में आप अक्टूबर 31 तक 10-10-10 दिन है, 2-2-2 सब्जेक्ट उठाओ, तो 30 दिन में आप ग्रुप 2 ख़त्म करेंगे. दूसरा, उन बच्चों के लिए
जिनको ग्रुप टू इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमारी पढ़ाई हो रही है, क्लास के साथ भी होती है और घर पे 3-4 घंटा पढ़ा तो इनफ है। तो अगर आप 4 घंटा ग्रुप टू रिवाइज करेंगे ना, तो आप बचे हुए 2 आवर्स पता है क्या करेंगे, ग्रुप वन का एक सब्जेक्ट उठाएंगे। एग्जैक्टली, आप ग्रुप वन का कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, मानो लॉ, मानो अकाउंट्स, मानो कॉस्टिंग, कोई करो। मैं कॉस्टिंग ले रही हूँ यहाँ पे एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल है, भूलेंगे नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं कॉस्टिंग लेके चल रही हूँ, ठीक है। इस प्लान के साथ तुम कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, तो आप 2 घंटा क्या पढ़ेंगे, एक पुराना ग्रुप वन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये कब तक चलेगा, ये आपका चलेगा 31 अक्टूबर तक, उसके या 1st week of November, या कोई भी टाइम टेबल में 4-5 दिन ऊपर नीचे होते हैं। अब नवंबर में क्या करें बेटा, नवंबर के 30 दिन है तुम्हारे पास, दिसंबर के 20 दिन है, एग्जाम डेट अनाउंस नहीं है, मान के चलते दिसंबर एंड, जान में कभी तो होगी, तो नवंबर के 30 दिन और दिसंबर के 20 दिन है, इनमें क्या करें, इनमें आपकी प्रायोरिटी है ग्रुप वन को ख़त्म करो 30 से 40 डेज में, बचा हुआ ग्रुप वन। कोई भी अगर आप यहाँ से आगे आ रहे हो, मतलब क्या, हमने अभी तक सिर्फ ग्रुप टू पढ़ा है, ग्रुप वन पढ़ के 3-4 महीने हो गए, तो भी 30 दिन में आपका ख़त्म होता है, 10 दिन कॉस्टिंग को जाएगा, 10 दिन अकाउंट्स को जाएगा, और आप 10 दिन DT को दे दो। और लॉ का क्या बेटा, लॉ रोज़ दो घंटा करेंगे तो 30 दिन में आपका लॉ हो जाएगा। आप ये प्लान पर रिलाई कर सकते कि आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा ग्रुप वन। एक चीज़ आपने एक थंब रूल बना देना है, लॉ आपको डेली अभी से लेके, मतलब जब भी ग्रुप वन पढ़ेंगे एग्जाम तक, डेली आपको लॉ पढ़ना ही पढ़ना है, तभी जाके वो आपके सिस्टम में अंदर जाएगा। सो ये हो गया लॉ बेटा। कॉस्टिंग अगर आप रोज़ तीन चार घंटा करोगे तो भी वो 20 से 30 दिन में होता है। या तो आप पूरे 10 दिन करो, सिर्फ कॉस्टिंग करो, या तो आप क्या करेंगे 10 डेज ओनली कॉस्टिंग, या तो आप क्या करो रोज़ 3 घंटा करो, आपको 30 दिन लगेंगे, बराबर है। ये एक प्लान आपको हो सकता है। जनरली आप एट अ स्ट्रेच करते हैं ना, तो जल्दी जल्दी होता है। अगर आप इसे टंगा के करोगे, आज 3 घंटा कल 2 घंटा, तो क्या होने वाला है ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे ही आपका अकाउंट्स से बेटा, अकाउंट्स भी 30 दिन में ख़त्म होता है। DT माइट गो टू 40 to 45 डेज का रिविजन, लेकिन भूलो मत, आकाश अग्रवाल क्लासेस की स्टूडेंट्स के लिए, आकाश सर आप लोगों के लिए DT का 5 हेड का स्पेशल बैच लेके आ रहे, तो तुमको तो DT सिर्फ और सिर्फ उसी में करना है, तुमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर ने कह दिया है। एग्जैक्टली, तो आपको और कुछ DT के 5 हेड्स में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सर शायद और भी कोई एडिशनल टॉपिक ले ले, पता नहीं अभी मुझे 5 हेड्स का पता है। तो 5 हेड्स आपको इन एंड आउट सर के साथ ही ख़त्म करने, तो बेटा तुम्हारा तो DT का पार्ट अभी हो जाएगा, तो तुमको नवंबर तक भी रुकने की उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। अब आपने DT 40 to 45 डेज लगा दिया, अकाउंट्स 30 दिन, कॉस्टिंग 30 दिन, तो कहीं ना कहीं दिसंबर के 1st week में आपका ग्रुप वन पढ़ के हो जाएगा। अगर आपने एक सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो बेटा आप 10 दिन अहेड चल रहे हो, आप 10 डेज अहेड चल रहे हो, इसका मतलब क्या, अब आप लॉ रोज़ 2 घंटा करो, आप 10-12 दिन में उसको ख़त्म करो, आप अकाउंट्स रोज़ 2 घंटा करो, और आप DT रोज़ 2 घंटा करो, अगर और टाइम मिल रहा है तो और टाइम इसको दो। इसके साथ आप चाहे तो ग्रुप टू का एक हाथ सब्जेक्ट रिवॉल्विंग रोटेशन में रिवाइज करते जाओ, एंड बाय फॉलोइंग दिस सिलेबस, दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, यू विल बी एबल टू कवर टिल दिसंबर 10 या 15 तक आपका पूरा ग्रुप वन एंड ग्रुप टू पढ़ के हो जाएगा बहुत अच्छे से। सो डू फॉलो दिस स्केड्यूल, और आपको हमारे साइट से और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो एज आई सेड आई एम बैक फॉर यू ऑल, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे या इंस्टाग्राम पे मुझे बताएंगे, कमेंट में डालोगे तो और ईजियर होगा मेरे लिए सॉर्ट करने के लिए। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं करते, तो मेरा पर्सनल चैनल है, आकाश अग्रवाल क्लासेस का चैनल है, सबको फॉलो करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपडेट तुमसे रिलेटेड हम लोग लाते रहते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर CMA। वी वर्क अ लॉट एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू क्लियर फॉलोइंग ऑल दीज स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली। और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यार, ये वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाते रहूँगी। एंड एक चीज़ मैंने आपसे कही थी, आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस माइट बी ऑन द वे, सो स्टे ट्यून्ड विद आकाश अग्रवाल क्लासेस का यूट्यूब चैनल। सी यू ऑल, बाय बाय।